हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भारती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डी मैथ्स। टुडे विल डू कंटिन्यूटी पार्ट टू। कंटिन्यूटी पार्ट वन हम कर चुके हैं, देख लिया होगा आपने। नहीं देखा कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी मैं, आप चेक कर। हाँ जी, हमने उसमें सीखा था कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम ये पार्ट वन में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन, और ये पार्ट मतलब ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो करते हैं ना, तो आप सीबीएसई में 4 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, और इतना इजी कंसेप्ट, फ्री के 4 मार्क्स है, जस्ट फ्री के, है ना, जो आपको इजी कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंडिंग ऑफ अननोन कॉन्स्टेंट कंसेप्ट क्या है, आपको दिया क्या होगा मैं बताती हूँ। नंबर वन, गिवन क्या होगा, गिवन होगा कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी गिवन होगी। निकालना क्या है, नंबर टू निकालना क्या है, फाइंड द कॉन्स्टेंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी दी होगी और आपको कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी, कॉन्टिन्यूटी दी हुई है पर्टिकुलर पॉइंट पे, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट। करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट, और कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट हम लास्ट वीडियो वाला ही यूज करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से अपने सीबीएसई के लिए मार्क्स एकदम ग्रैब कर लेते हैं। चलिए, हाँ जी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, 3 इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। चलिए, अब कॉन्टिन्यूटी दे रखी है, कॉन्टिन्यूटी की क्या डेफिनेशन थी, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, इसका मतलब क्या है कि उसकी लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पे इक्वल होगी, ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया है ना। इसी का यूज करके आज हम k की वैल्यू निकालेंगे, और बहुत इजीली निकलेगी। देखो, सबसे पहले लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू पाई बाय टू एफ ऑफ x, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है, जस्ट पुट करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू k cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स, चलिए निकालिए वैल्यू। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज कर रही हूँ, इट विल बी k cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स, क्या थी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस k cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स। नाउ जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लें या राइट हैंड लिमिट लें, पहले तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो x की जगह आ जाएगा पाई बाय टू माइनस एच, और अगर राइट हैंड लिमिट भी आप ले लो, सेम आंसर आएगा पाई माइनस टू पाई बाय टू माइनस एच, बस एक्स की जगह जहां मैंने पाई बाय टू माइनस एच डाला है, आप वहां पर पाई बाय टू प्लस एच डाल देना। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसी भी एक वैल्यू से आप आंसर निकाल सकते हो, दोनों भी निकाल के देखोगे दोनों से आंसर सेम आएगा, तो इसी से ये प्रूफ होगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, आप कोई भी मेथड कर सकते हो, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट लगा के निकाल के दिखा दो, इट्स ओके। राइट हैंड लिमिट अगर उसने देखो, अगर वो पहले ही बोल रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, इसका मतलब है ये बात है ना कि लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो डोंट नीड टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट, जस्ट फाइंड आउट, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो चाहे राइट हैंड लिमिट, सिर्फ एक ही लिमिट निकालने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूज दिया हुआ है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको दोनों अलग अलग निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही निकालो तो चलता है। चलिए, हाँ जी, h टेंड टू जीरो निकालते हैं, अभी इसको अलग अलग करते हैं, k cos, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, इट विल बी साइन एच, एंड नीचे पाई माइनस, इट विल बी अगेन पाई प्लस टू एच, पाई पाई कैंसल, एंड दिस विल बी k साइन एच अपॉन टू एच, एंड लिमिट h टेंड टू जीरो, क्लियर है ये चीज। तो यहां से लिमिट h टेंड टू जीरो k साइन एच था ना यहाँ पर, और नीचे क्या है 2h आ गया हमारे पास, है ना, तब क्या करेंगे इसको h इसको दे देंगे, है ना, h क्या करेंगे इसको दे देंगे, अब h इसको दे देंगे तो 2 कहाँ जाएगा k के नीचे, तो दिस विल बी k बाय 2 साइन h अपॉन h, एंड हियर लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h कितना होता है 1, अगर नहीं पता तो नोट कर लो, बहुत इजी चीज है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो इट विल बी k बाय 2 इंटू 1, सो हेयर इट विल बी k बाय 2, तो लिमिट का आंसर k बाय 2 आया। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, इट मींस उसकी लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है,
मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट किसी फंक्शन की तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। इट मींस अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकाल के भी आंसर निकालना चाहे निकाल सकते हो, दोनों लिमिट्स निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों से सेम आंसर ही आता है। तो मैंने अब लेफ्ट हैंड लिमिट से किया है, आप पाई बाय टू एक्स की जगह पाई बाय टू प्लस एच कर देना माइनस की जगह, तो भी आपका के बाय टू ही आंसर आएगा। क्लियर है? तो लिमिट का आंसर क्या आया? के बाय टू। हमने क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ पाई बाय टू के इक्वल करना है। एफ ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी कि एफ एक्स थ्री होगा जब एक्स की वैल्यू पाई बाय टू होगी, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आया मेरा, के बाय टू। एफ ऑफ पाई बाय टू क्या है, थ्री, तो हेयर के की वैल्यू क्या बन गई, सिक्स। बहुत ईजी कंसेप्ट, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट को यूज कीजिए, वैल्यू के इक्वल कीजिए, इस डेफिनेशन का यूज होगा और के की आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ये चीज? देखिए सिंपल, लिमिट निकालना कोई मुश्किल नहीं है, प्लस वन वाली याद है तो बहुत अच्छी बात है, लिमिट का कंसेप्ट नहीं आता तो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। इस क्वेश्चन में जो आपको माइंड में रखना है कि ये आगे के लिए भी कि साइन एच अपॉन एच लिमिट एक्सटेंड टू जीरो वन होता है। क्लियर है? यही यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स केयर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आई होप आप साथ साथ क्वेश्चन कर रहे होंगे, पर अगर नहीं कर रहे हैं ना तो अब भी नोटबुक्स निकालिए और साथ साथ क्वेश्चन कीजिए, कि जब तक आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, बी ऑनेस्ट, है ना, कि आप मैं कहूँ मैं पढ़ाई जा रही हूँ और आपका होता जाएगा, नहीं, आप साथ साथ मेरे क्वेश्चन कीजिए, मुझे पॉज करके देखिए, कर दीजिए पॉज यहीं पर और खुद क्वेश्चन करके देखिए कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा, जहां पे आप रुकते हो वीडियो को ऑन कीजिए फिर देखिए कि कहां मैं कैसे करवा रही हूँ। क्लियर है ये चीज? चलिए, हाँ जी, अब ये कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू टू पे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ टू के इक्वल होगा, है ना, यही कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूज है तो ऐसे बिहेव करेगा। अब मुझे पहले लिमिट वाला पार्ट कर लेती हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेती हूँ, क्योंकि लेस पे कुछ और वैल्यू है ग्रेटर पे कुछ और वैल्यू है, इसलिए, है ना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर लेस पे कुछ और वैल्यू फंक्शन की डिफाइन हो रही है ग्रेटर पे कुछ और डिफाइन हो रही है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो करना ही होगा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, सो इट विल बी लिमिट एक्सटेंड्स टू टू नेगेटिव, क्या आएगा यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको एच की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही लेस और ग्रेटर पे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे आपको एच की हेल्प लेने की जरूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे लेस ग्रेटर पे नहीं था, नोट इक्वल टू पे था। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे हम एच की हेल्प नहीं लेंगे, सिंपल करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू नेगेटिव, यहाँ क्या बनेगा, इट विल बी लिमिट, सिंपल आंसर लिख देती हूँ फिर मैं, दैट विल बी फोर एक्स, टू की जगह मैंने, सॉरी फोर के एक्स की जगह मैंने टू डाल दिया, सिंपल। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालूंगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू दिस एफ ऑफ एक्स एंड देर विल बी लिमिट एक्सटेंड्स टू टू पॉजिटिव एंड इट विल बी थ्री, और ये कॉन्स्टेंट है, थ्री रहेगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूज है ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूज, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। अब लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है, देखो एक आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट फोर के आई है, राइट हैंड लिमिट क्या आई है, थ्री आई है। क्लियर है ये चीज? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, फोर के, और राइट हैंड लिमिट थ्री, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, ठीक है, वो भी देखते हैं। पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करवानी है हमें, लिमिट एग्जिस्ट कराने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है फोर के, राइट हैंड लिमिट क्या है थ्री, सो के विल बी थ्री बाय फोर। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ना भी ले हम तो भी आंसर क्या आ रहा है, के इक्वल टू थ्री बाय फोर, लिमिट को इक्वल करने में ही। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूज है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, मींस उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर दी, तो वहां से मुझे क्या मिल गई, के की वैल्यू मिल गई। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? और इसके अलावा जब आपको, चलो ये तो हमें लिमिट वाली, हमें इसकी वैल्यू की यूज ही नहीं करना पड़ा, एफ ऑफ टू को हमें यूज ही नहीं करना पड़ा, बट अगर एफ ऑफ टू को करना पड़ता तो चलिए देखिए, आपके पास आए थे अभी लेफ्ट हैंड लिमिट, इट वॉज क्या थी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास, हाँ जी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी हमने, क्या थी फोर के, राइट हैंड लिमिट निकाली थी क्या थी थ्री, और फंक्शन की वैल्यू देखे तो फंक्शन की वैल्यू देखो इक्वल का साइन कहाँ पे है, यहाँ पर, तो मतलब मुझे एक्स की जगह क्या डालना है, टू, किस में, इसमें, तो इट विल बी फोर के। आप क्या कहते हैं, लिमिट को इक्वल कर दो फंक्शन की वैल्यू के, है ना, और लिमिट को हम ये भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ टू, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट लिखे या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखे तो भी एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या है 4k, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4k, कोई भी दो उठा लो इसमें से, ये उठा लिया मैंने या फिर ये दो उठा लो, आपकी मर्जी, दोनों से सेम आंसर आएगा k इज इक्वल्स टू 3/4। आपको अपने बेसिक से खेलना है और कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, बेसिक से खेलना है। तो k की वैल्यू क्या है 3/4, इतना इजी कंसेप्ट, बहुत इजी, ठीक है ना। साथ साथ करते जाइए लिमिट, तभी ये लिमिट ना ऐसे नहीं है कि आपके माइंड में कोई डाल देगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चंस करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, आपको समझाया जाता है, हाँ देखो ये कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, क्लियर है ये चीज। तो हम अगर कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन उठाए, मीन्स फंक्शन की वैल्यू के इक्वल करें, वहां से भी के की वैल्यू 3/4 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होते हैं क्योंकि प्लस वन का कंसेप्ट है, वहां से भी के की वैल्यू 3/4 आ रही है, क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, फटाफट से क्वेश्चन आप भी स्टार्ट कीजिए, हमें किस पे कॉन्टिन्यूस है, किस पे पाई पे, किसकी वैल्यू निकालनी है के की। चलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, किसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, तो इसमें भी हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है के एक्स प्लस वन, इट विल बी के पाई प्लस वन, और राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई प्लस, मींस राइट हैंड लिमिट। जिसको लिमिट में या कॉन्टिन्यूटी में अभी भी दिक्कत आ रही है ना, फर्स्ट वीडियो जरूर देखना फिर सेकंड देखना, आई एम सजेस्टिंग यू, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या मैम फटाफट लिखे जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत इजी बताया आराम से कि ये पाई कहाँ से आ रहा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे cos x, एंड दैट विल बी cos pi इज माइनस वन। एक बात अपने माइंड में सेट कर लो, cos का अगर pi आ रहा है आपके पास, ठीक है, मान लो cos n pi है, अगर तो n इवन है तो ये प्लस वन होगा, और अगर cos n pi n ओड है तो ये माइनस वन होगा। मतलब अगर cos pi है तो माइनस वन, कोस टू पाई है तो प्लस वन, कोस थ्री पाई है तो माइनस वन, मीन्स जब ओड के पाइज होंगे तो माइनस वन आंसर आएगा, इवन के पाइज होंगे तो आपके पास प्लस वन आंसर आएगा, क्लियर है ये चीज। क्योंकि यहाँ कोस पाई था, माइनस है यहाँ पर, मतलब वन सॉरी ऑड है वन, तो यहाँ पे माइनस वन आंसर आएगा, क्लियर है ये चीज। अब आपके पास एफ ऑफ क्या निकालना है, पाई भी निकाल लेते हैं, पाई का कहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ पर, तो यहाँ पर डलेगा पाई इसमें, तो ये क्या बनेगा k पाई प्लस वन, तीनों को इक्वल कर दो। वैसे तो लिमिट और एफ ऑफ पाई को इक्वल करना था, लेकिन लिमिट हो या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक ही बात है, तो तीनों को इक्वल करते हैं, क्या आ जाएगा k पाई प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू k पाई प्लस वन अगेन, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पर, ये k पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू k पाई प्लस वन। तो कोई भी दो उठा लीजिए, फर्स्ट सेकेंड या सेकेंड थर्ड, एक ही चीज है, तो यहाँ पे क्या बनेगा k पाई इज इक्वल्स टू माइनस टू, एंड k इज इक्वल्स टू माइनस टू बाय पाई, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है ना, इजी। जस्ट यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन, नहीं नहीं लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले 2 और 10 दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, देखो ये 2 और ये 10, मतलब बात किस पे करनी है 2 और 10 पे। पहले 2 पे बात करते हैं, 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के और इक्वल होगी एफ ऑफ 2 के, है ना, ये वैल्यू होगी। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, इट विल बी 5 क्योंकि 2 के लेस पे 5 डिफाइन है। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो इट विल बी एक्स प्लस बी, एंड एफ ऑफ 2 पे बात करते हैं, इट विल बी अगेन 5 क्योंकि इक्वल का साइन हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। चलिए ये तो 5 ही बनेगा, ये बनेगा 2a plus b and this is again 5, फिर आपकी मर्जी, आप कौन सा मर्जी उठा लो, फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड और थर्ड उठा लो, तो इट विल बी आपके पास इक्वेशन बनगी, सॉरी 2a plus b is equals to 5, ये क्लियर है। जब मैंने 5 मतलब 2 पे कॉन्टिन्यूटी उठाई है तो मेरे पास 2a plus b is equals to 5 आया। अब मैं कॉन्टिन्यूटी उठाने लगी हूँ 10 पे, ठीक है। तो 10 के लिए क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 10
और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 10 और यहाँ पे एफ ऑफ 10 के इक्वल होगा। ठीक है, मेरे साथ साथ करिए। हाँ जी, तो 10 से लेस पे बात हो रही है, मतलब ये वाला फंक्शन उठाना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 10 दिस एंड दिस इज ए एक्स प्लस बी। फिर राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, मतलब 10 से ग्रेटर की इट विल बी 21। सो यहाँ पे 21 और एफ ऑफ 10 की बात हो रही है यहां पर, तो ये भी क्या होगा 21। ये रहा। हाँ जी, तो ये क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 21 एंड दिस इज अगेन 21। तो आप वेरिएबल वाला उठाओगे, 21 इज इक्वल टू 21 नहीं उठाओगे। तो ए यहाँ पे 10 थी लिमिट, तो 10 लिमिट डालेंगे ना, यहाँ पे बन जाएगा 10a। इट विल बी 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे क्या है, 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21। मींस आपने दोनों की कॉन्टिन्यूटी यूज की, 2 की कॉन्टिन्यूटी यूज की, मींस उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल करी। फिर आपने 10 की कॉन्टिन्यूटी यूज की, ये वाली, देन उनको इक्वल किया, वहां से आपके पास दो इक्वेशंस मिल गई। कभी भी ध्यान रखना, जितने वेरिएबल्स की आपको वैल्यू निकालनी होती है, मीन्स जितने कॉन्स्टेंट्स की, उतने ही आपको क्या मिलेंगे, इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स निकालने थे ए एंड बी, तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी। अगर तीन निकालने होते तो तीन इक्वेशंस मिलती, क्योंकि यहाँ दो इक्वेशंस मिली है। तो आप ये 2a प्लस बी 5, 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे और ए और बी की वैल्यूज निकालोगे, आप ये काम खुद करोगे, क्योंकि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है ना, बहुत इजी चीज है ये आपके लिए। तो इसको अच्छे से, मतलब क्या है, लिमिट अच्छे से कंसेप्ट माइंड में रखो और कुछ भी नहीं इक्वेशन में। ठीक है, निकल जाएंगे वैल्यूज लिमिट के, ए और बी की वैल्यूज निकाल लोगे आप। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 कॉन्टिन्यूज है, कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर हमें k की वैल्यू निकालनी है। फिर से 5 पे बात हो रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। ठीक है, चलिए आप किसकी बात हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की, मीन्स 5 से छोटा। 5 से छोटा क्या है, के एक्स प्लस 1। यहाँ पे x 5 से छोटा, तो क्या डिफाइन है, के एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, मीन्स राइट हैंड लिमिट, दैट विल बी 3x माइनस 5। एंड एफ ऑफ 5 के लिए भी कहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम x की जगह 5 डालेंगे, इट विल बी 5k प्लस 1। नाउ अब यहाँ पे क्या बनेगा, 5k प्लस 1, यहाँ पे क्या बनेगा, 15 माइनस 5, दैट विल बी 15 माइनस 5 विल बी 10 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1। अब आप क्या उठाओगे, फर्स्ट और सेकेंड, तो क्या होगा, 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, 5k इज इक्वल्स टू 9, k इज इक्वल्स टू 9/5। क्लियर है ये चीज, बहुत इजी कंसेप्ट, आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। हाँ जी, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट की थी, आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन पे जाएंगे, मीन्स कॉन्टिन्यूटी डोमेन पे कैसे चेक करते हैं। ठीक है, हाँ जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका नेक्स्ट पार्ट, ये कॉन्टिन्यूसली पार्ट डालेंगे, इस पे अपलोड होंगे, तो बेल आइकन मत दबाना भूलना, अदरवाइज अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया चैनल और कहाँ गई मैम और कहाँ गई वीडियोस। ठीक, बेल आइकन दबा देना। ठीक है, चले, हाँ जी, इसमें ए और बी की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच।